हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही टेस्टी आलू गोभी दम की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैं ये थोड़े से आलू को बॉईल कर ली हूँ अच्छे से, इसके छिलके उतार दी और थोड़े बड़े बड़े साइज़ में काट दी हूँ। और ये गोभी है, गोभी के भी थोड़े मीडियम साइज़ में काट ली हूँ, ना बहुत बड़ा है ना ही छोटा। दो टमाटर ली हूँ और ये 5 बड़े साइज़ का प्याज है, इन सभी को छील कर रख ली हूँ। तो टमाटर और प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन कर ली हूँ, कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल दी हूँ, तेल गर्म हो गया। उसके बाद पहले इसको गोभी को हल्का सा इसमें फ्राई करेंगे। गोभी को इस तरह से फ्राई करके अगर सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनती है। तो गोभी को देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अभी इसे बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आलू को भी हल्का सा फ्राई करेंगे, थोड़ा ही तेल डाल करके। बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा आधी चम्मच तेल डाल दी हूँ। तेल डालकर उसके बाद इसमें आलू डाल देंगे। मैं सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, इसलिए सारी सामग्री थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा ले ली हूँ। अगर आप कम बनाते हैं तो सारा चीज़ कम कम ले लें। तो आलू को डालकर, ये छोटे साइज़ का आलू था, बहुत बड़ा साइज़ नहीं है, छोटा साइज़ का आलू है, इसीलिए मैं इसके 2 ही टुकड़े की हूँ। और ये मसाला तैयार करेंगे, तो इसमें 12 से 15 लहसुन की कलियाँ हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च, इन सभी का पेस्ट बनाना है। बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको डालकर थोड़ा सा पानी डाल दें मिक्सी जार में। अदरक को काट कर डालें ताकि अच्छे से बारीक पीस जाए। अगर मोटे अदरक को डाल देंगे तो वो पीसने में दिक्कत होगी, नहीं पीसेगी जल्दी। तो देखिए पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया। तब तक इधर आलू भी हमारा फ्राई हो रहा है, तो आलू का कलर चेंज हो गया। अब इसमें थोड़ी सी 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक इस टाइम डालने से आलू में भी अच्छा नमक, अंदर तक नमक चला जाता है, इसलिए यहाँ पर ज़रूर नमक का यूज करें, तभी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो 1/2 टीस्पून हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट इसको इसी तरह से और भून लेंगे। देखिए 5 मिनट हो चुका है, तो अब इसे बाहर निकाल लेंगे अच्छे से। इसमें आलू अच्छे से भूनकर तैयार है, कलर अच्छा आ चुका है, तो अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए बाहर निकाल ली, आलू गोभी दोनों इस तरह से रेडी है। फिर उसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल देंगे, बड़े चम्मच से। उसके बाद 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, जीरा चटक जाए। फिर 2 तेज़पत्ता और प्याज डाल देंगे। फिर सभी प्याज को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक, तब तक इसको प्याज को भूनना है। प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे, उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। देखिए प्याज हमारा भून गया है, तो हमने जो मिक्सी में पीस कर रखा है मसाला उसे डाल देंगे। तो 2 टेबल स्पून 2 बड़े चम्मच इसमें मसाला डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी है इसलिए मैं कम डाल रही हूँ, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो और ज़्यादा डाल लें। उसके बाद 2 टीस्पून नमक, नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को। मैं सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मसाले का यूज़ ज़्यादा की हूँ, अगर आप कम बना रहे हैं तो कम मसाले का यूज करें। उसके बाद मसाला डालकर इसे 5 मिनट इस तरह से चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे, टमाटर डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और मसाला भी अच्छी तरह से भून जाएगा। तब तक इसको लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर, कभी फ्लेम तेज कर लें। उसके बाद बीच में 1-2 बार इसको ढक दें। ढकने से होगा क्या, मसाला अच्छी तरह से, और जब भी ढकें तो लो फ्लेम पर ही ढकें। अगर तेज़ फ्लेम पर ढकेंगे तो मसाला जल जाएगा, इसलिए लो फ्लेम पर इसको 1 बार ढक कर अच्छे से मसाले को भून लें। तो मसाला हमारा भून गया है। उसके बाद इसमें आलू और गोभी डाल देंगे, दोनों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। इसको भी 2-3 मिनट और अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाला अच्छे से आलू गोभी में मिक्स हो जाए। तो
तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया, तो अब इसमें पानी डाल देंगे। पानी इतना डालना है जितने में कि हमारी जो सब्ज़ी है ये अच्छे से मैंने पानी दिखने लगे ऊपर तक, उतना डालना है। अगर आप नाप कर डालते हैं तो मैं इसमें 3 गिलास पानी का यूज की हूँ। तो पानी डालकर इसको इस तरह से ढक देंगे। पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि गोभी अभी हमारी थोड़ी कच्ची है, तो इसको पकने में पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पानी डालकर ढक दी थी। उसके बाद इसको तेज़ फ्लेम पर ही ढकेंगे, चेक करेंगे। गोभी अभी थोड़ी और कच्ची है तो इसको थोड़ी देर और 5 मिनट के लिए और ढक देंगे। उसके बाद इसको बीच में एक दो बार ज़रूर चलाएं ताकि सब्ज़ी अंदर से जले नहीं, इसलिए। तो मैं इस तरह से 2 बार ढकी हूँ और 2 बार इस तरह से चेक कर रही हूँ। देखिए अब गोभी हमारी पक गई है, तो अब इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। धनिया पत्ती डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह से सब्ज़ी बनाएंगे तो आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ढाबा रेस्टोरेंट की जो सब्ज़ी होती है उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो आलू गोभी की सब्ज़ी को सर्व कर लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है आलू गोभी की। इस तरह से एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।